हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैं आज लेकर के आई हूँ रेलवे और लेखपाल से रिलेटेड या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं उनके लिए मैथ्स का सेशन। और वो मैथ्स का सेशन जो है मेनली जो है वो रेलवे और लेखपाल के एग्ज़ाम जो कि अभी हाल ही में होने वाले हैं उन पे है। और जो ये सारे क्वेश्चन हैं वो सभी जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बेस्ड हैं। उन्हीं को मिला करके मैंने कुछ सेट्स तैयार किए हुए हैं क्वेश्चंस के, जिससे जो है मैथ्स की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से होने वाली है। इसके पहले भी मैंने मैथ्स की बहुत सारी क्लासेस दी हैं और बहुत सारे बच्चों को मैंने सेटिस्फाई भी किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी जो है इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और बेसिकली मैथ्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस सेशन से, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ वो सारे आपके जो हैं पेपर सेट्स जो होते हैं पीछे के, वो सभी मैं देख करके उन सभी चीज़ को फॉलो करके किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आती है उनके लिए भी मैं बेसिकली मतलब हर क्वेश्चन को बहुत बेसिक से बताती हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो लोग मैथ्स से डरते भी हैं कि मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो मैं किस तरह से करूँगा या करूँगी, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा ये। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, एक बार मैथ्स की क्लास ज़रूर लें। तो मैं आज शुरू करने वाली हूँ मैथ्स का ये सेट जो है। आज का जो पहला सेट है ये 15 क्वेश्चंस का सेट मैं आपको डेली दूंगी यहाँ पर, और उसमें हर चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में उठते हैं वो सारे क्वेश्चंस उस तरह के मैंने उसको जो है ऑर्गेनाइज़ किए हैं उसमें। तो आज के सेट में 15 क्वेश्चंस का सेट है, आप इसे लगा करके देखिए आपको किस तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं क्वेश्चन का हर पार्ट टच करूँगी कि जिस जिस पार्ट से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में उठ सकते हैं मैं हर तरह के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। बाकी और भी बहुत सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, वो आप देख भी सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आप ये सेशन ज़रूर देखेंगे, और एक वीडियो आप मेरा पूरा फुल से वॉच करके देखना, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में उठते हैं या फिर मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपके लिए बेनिफिशियल डेफिनेटली होगा। तो गाइस शुरू करते हैं, हमारी आज की पहली क्लास है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो बने रहिए फ्रेंड्स और देखते रहिए मेरा वीडियो। तो गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, और सबसे पहले मैं करा रही हूँ जैसा कि मैंने बताया है आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे पहले आपसे कह रहा है कि सुमन एक काम को 3 दिन में करती है और सुमित उसे 2 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर एक साथ काम पूरा किया और उनको 150 रुपये मिले। इसमें सुमन का भाग कितना है? आपको ऑप्शन दे रखा है A30, B60, C70 और D75। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है और आपको बताना है कि सुमन को कितना भाग मिला या फिर उसका कितना भाग है इसमें से। जैसा कि बता चुकी हूँ कि सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सेट में बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है कि देखिए सुमन को कह रहा है कि वो एक काम को 3 दिन में करती है। एकदम सिंपल समझना है, ठीक है? स्टार्टिंग से मैं समझा रही हूँ, सुमन को क्या करना है, एक काम को वो 3 दिन में कर लेती है। अब ये बताओ अगर एक काम 3 दिन में कर रही है, यानी कि 3 दिन में अगर एक काम कर रही है तो 1 दिन में कितना काम करेगी? 1 दिन में वो काम करेगी 1/3। सिंपल है, पूरा या तो लिख के दिखा दूँ या फिर डायरेक्टली कर दूँ, फर्स्ट क्लास है तो मैं लिख के बता रही हूँ। सुमन का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? एकदम सिंपल है ये, कितना हो जाएगा? 1/3। अभी आप लोग सोच रहे होंगे 1/3 कैसे है, ऐसे समझो कि 3 दिन में वो एक काम करती है, ठीक है ना? 3 दिन में अगर वो एक काम करती है तो 1 दिन में कितना काम करेगी? तो 1 दिन में वो काम करेगी 1/3। फिर कह रहा है सुमित उसे 2 दिन में कर सकता है, तो सुमित का भी हम क्या निकालेंगे? 1 दिन का काम निकाल लेंगे। तो सुमित का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? सुमित का 1 दिन का काम, तो यहाँ से सुमित का जो 1 दिन का काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है? अब आपको दोनों लोगों के 1 दिन का काम मिल गया है तो उनका हम रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं ना, दोनों के काम का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सुमन और सुमित, सुमन और सुमित के 1 दिन के कार्य का रेशियो निकाल लेते हैं, 1 दिन के कार्य का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है? अनुपात में हम क्या करते हैं, अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप इसको 1/3 और रेशियो 1/2 लिख देंगे,
हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:3, यानी कि दोनों के कार्य का अनुपात निकल चुका है 2:3। अब आपको बताना है कि उनको कितना मिल रहा है, 150 रुपये मिल रहा है, तो सुमन का भाग कितना है? आपको किसका पूछा है, सुमन का? तो देखो, एक सुमन का है और एक सुमित का है, जिसका पूछता है, ठीक है ना? पहले आपकी सुमन है, तो सुमन का ये 2 हो गया, सुमित कौन सा है, बाद वाला है, तो सुमित का 3 हो गया। सुमन का भाग पूछ रहा है कितने में से, 150 रुपये में से, ठीक है ना? तो रुपये 150 में सुमन का भाग कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, 5। 5 कैसे है, 3 और +2 5, यानी कि जो टोटल होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है? सुमन का पूछ रहा है, सुमन का कितना है, 2 है, कितने में से पूछ रहा है, 150 में से पूछ रहा है, तो यहाँ से हो गया देखो 5 3 जा 15, और ये हो गया ₹60। तो यहाँ से एक सिंपल सा आंसर निकल के आ गया है ₹60। और आपसे पूछ रहा था कि इसमें से सुमन का भाग कौन सा है, तो सुमन का भाग हो गया यहाँ से ₹60, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप बी को टिक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन। और अगर ये समझ में ना आ रहा हो कि ये 1/3 और 1/2 कैसे हुआ है, तो सिंपली मैं आपको एक बार और यहाँ बता रही हूँ, 3 दिन में एक काम कर रहा है, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं ना, 3 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 1/3, तो कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो उसी तरह से हमने उसे 1/3 लिखा है। तो ये मैंने सिर्फ समझने के लिए बताया है, बाकी सोल्यूशन पूरा ये है। एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना सॉल्व करें, तो क्योंकि मैं अभी समझाते हुए चल रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये उद्देश्य है कि हर बच्चे को हर तरह से ये क्वेश्चन समझ में आए, तो मैंने इसे पूरा एकदम ब्रीफ में कराया है। तो आप इसे जो है एकदम आसानी से ओरल भी कर सकते हो, तुरंत एक दिन का काम निकालना और उसके बाद से दोनों का रेशियो निकाल करके फिर ये वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो यानी कि गति से चल रही है और दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये आपको गिवन है रेलगाड़ी की चाल, ठीक है? क्वेश्चन को देखो, मैथ को करने का तरीका होता है कि आप एक एक लाइन पढ़ो और उसको समझते चलो। तो एक एक लाइन को पढ़ना है और समझना है, तो रेलगाड़ी की चाल दिया है, सबसे पहली लाइन से हमें यही समझ में आ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल गिवन है यहाँ पे। तो रेलगाड़ी की जो चाल दिया है वो कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, कोई डाउट नहीं करना, ठीक है? नेक्स्ट लाइन कह रहा है 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी, यानी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, 4/5 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में है तो ये दूरी हो गई आपकी, यानी कि यहाँ पे आपको जो दूरी दिया है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 4/5 किलोमीटर। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसको वो तय करने में कितना समय लगाएगा, वो भी सेकंड में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है। तो पहले तो ये समझ लो कि ये आपको देखो किलोमीटर में दिया हुआ है, घंटे में दिया हुआ है, सेकंड में क्या है, सेकंड में अगर निकालना होगा तो सबसे पहले हमें जो टाइम है वो घंटे में मिलेगा, उसके बाद से हम उसे सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना? अगर ये मीटर में होता तब हमें चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है, तो हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, तो हम बाद में चेंज करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमें ये पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है? फॉर्मूला हमारा होता है, चूँकि ये आपको पता होगा कि चाल की वैल्यू क्या होती है, दूरी बटा समय, और हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, तो समय कैसे निकालेंगे, दूरी बटा चाल यहाँ पे नीचे आ जाएगा बस। अब दूरी कितनी है, 4/5, और चाल कितना है, चाल तो वैसे भी नीचे ही है, तो ये 45, ये आपका घंटे में आया, क्यों, क्योंकि समय अभी हमारा घंटे में ही चल रहा है ना। अब हमें क्या करना है, इसे चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, तो हमें घंटे को सेकंड में लाना है। घंटे को सेकंड में कैसे ला सकते हैं, घंटे को सेकंड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो घंटे को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3600 से, ठीक है, 3600 से। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 60 × 60 / 5 × 45, ठीक है? घंटे को चेंज कर रहे हैं तो एक घंटे में कितना सेकंड होता है, तो आप ये देखो कि एक घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक है ना?
यहाँ मैं समझने के लिए बता रही हूँ कि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे जब देखो 1 घंटे में 60 मिनट हो रहा है, और जब मिनट को आप सेकंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 60 × 1 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 60 × 60 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में हो गया 60 × 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड। ये मैंने समझाने के लिए बताया है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप इसे कट कर सकते हो बहुत ईजीली, तो कट कर लेते हैं। देखो ये 5 से कटा तो ये कितना आ गया 12, और यहाँ से आप इसे काटोगे तो क्या हो जाएगा, 15 से कट करते हैं तो ये 3 जा 45, और ये 4 जा 60, और यहाँ से हो गया 3 4 जा 12। बहुत ही आसान कैलकुलेशन करा हमने। और ये देखो 4 × 4 × 4, यानी कि यहाँ से आपका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 64 सेकेंड, ठीक है। 64 सेकेंड इसका आंसर आएगा, और आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा एकदम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे निम्नलिखित में से कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है आपको 150 मीटर। आपको ये भी दे रखा है कि उसकी जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे क्या है, चाल है, तो हम लिख लेंगे रेलगाड़ी की चाल। तो जो चीज़ आपको दी हुई है उसको आप मेंशन करते हुए चलें। रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे दी हुई है आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। मैं ये इंग्लिश में लिख रही हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, और आपको देखो यहाँ पे ये भी कह रहा है कितने सेकंड लगेगा, यानी कि आपको इसको सेकंड में निकालना ही पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको लंबाई जो दी है ना यहाँ पे, देखो जो दूरी दी हुई है वो भी आपको मीटर में दी हुई है, ठीक है ना। वो भी किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, यानी कि हमें मीटर वाला तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो किलोमीटर वाला है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये समझ लेना आप, यहाँ पे एक पॉइंट डाल के समझना कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आपको चेंज करना होता है मीटर पर सेकेंड में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, 5/18 से, ठीक है। किससे करना पड़ता है मल्टीप्लाई, 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना होता है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है इसके जस्ट उल्टे, यानी कि 18/5 से। तो ये सब चीज़ें मैं साथ में बताते हुए चल रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा है कि आपने अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको क्वेश्चन समझ में ज़रूर से आएगा, बिकॉज मैं सारी चीज़ें और सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताते हुए जा रही हूँ। तो ये समझ लेना किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अब हमें यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से। तो यहाँ हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपको ये पता है कि 18 × 2 होता है 36, और ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। रेलगाड़ी की चाल निकल के आ गई है मीटर पर सेकेंड में। अब आपसे पूछ रहा है कि पार करने में कितना समय लगेगा, चूंकि आपको दे रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, ठीक है। आपको फॉर्मूला भी पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। अब चूंकि ये 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो इसे दूरी कह लो या फिर लंबाई कह लो, ठीक है ना। तो लंबाई ही तो हुआ, ये दूरी तो हुआ एक तरह से 150 मीटर। तो ये जब दूरी हो गया, तो यहाँ से आपको दूरी कह लो या लंबाई कह लो इसे, ये दिया हुआ है 150 मीटर। तो क्या हो जाएगा, समय निकालना है, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। क्यों ऐसा हो जाएगा, बिकॉज चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया यहाँ से, तो दूरी कितनी है 150 और चाल कितनी है 10, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 15 सेकेंड। ऑप्शन में दे रखा है आपका 15 सेकेंड, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। दैट मीन्स कि अभी आपको इतना समझ में आ गया कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, एक सिंपल सा देखो कैलकुलेशन दिया हुआ है, 1 + 2 / 1 + 3 / 1 + 4 / 5।
इसका मान क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ से ऑप्शन दे रखा है 7/4, सेकेंड है 5/2, थर्ड है 7/5, डी है 3/7। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसे हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे। तो वन को पहले हम यही छोड़ देते हैं, प्लस सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, टू को भी छोड़ दिया, वन प्लस करके थ्री को भी छोड़ दिया, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे सबसे नीचे वाले को। एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 5+4। आप इसको चाहो तो डायरेक्टली 9/5 भी लिख सकते हो सॉल्व करके, अगर आपको समझ में आता है तो। 1+2/1 प्लस ये हो गया 3/9/5। 9/5 है, जब अपॉन में जो वैल्यू होती है ये ऊपर चली जाती है, यानी कि यहाँ पे, तो ये हो गया 15/9। तो डायरेक्टली इसे हम लिखेंगे इस तरह से, 1+2/1 प्लस ये 5 ऊपर गया तो 15 हो गया, और ये हो गया 15/9। अब हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यानी कि 15/9 को, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9+15 हो जाएगा। तो जब 9+15 हो जाएगा, तो देखो मैं ऐसे यहाँ कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, 1+2/, ये हो गया आपका 9+15/9। तो इसे हम लिख सकते हैं 1+2। अब ये देखो 9 ऊपर जाएगा, ये 18 हो गया, और 15 और 9 कितना हो गया आपका, 24 हो गया। तो यहाँ से ये 24 आ गया। अब इसे हमें क्या करना है, 1+18/24 को सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल है। 1+18/24 को हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, वो भी हो गया आपका 24+18/24। तो कितना हो गया, यहाँ से देखो 8 4 12 हो गया, और ये 42 हो गया, और ये हो गया 24, यानी कि 42/24 हमारा आ गया। लेकिन देखो ये 42/24 हमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। 6 के टेबल से देखो दोनों कट जाएगा, तो ये 6 4 जा 24, और ये हो गया 6 7 जा 42, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ गया, 7/4। आप ये देख लें कि 7/4 किसी ऑप्शन में है या नहीं है। तो 7/4 यहाँ से देखो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए 7/4 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप इसको नीचे से सॉल्व करना शुरू करना, बिकॉज ऊपर से आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, यानी कि कोई टैंक है अगर वो 1/3 भरा हुआ है तो उसमें 80 लीटर पानी है, अगर उसका आधा भरा होगा तो उसमें पानी कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, ये आप ओरल भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखो, पहले मैं यहाँ पे सिर्फ रफली कर रही हूँ, 1/3 अगर कोई टैंक भरा है मतलब कि उसमें 80 लीटर पानी है, ठीक है ना, 80 लीटर पानी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम उस टैंक को पूरा भर दें तो पानी कितना हो जाएगा, अगर उस टैंक को हम पूरा भर दें, 1/3 भरा तो 80 लीटर पानी है, पूरा भरने का मतलब क्या हुआ, पूरा 1 हो जाएगी, यानी कि पूरा 1 हो गया तो कितना हो गया पानी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 240 लीटर पानी उस टैंक में हो गया। अब आपसे कह रहा है कि अगर हम उसका आधा भर दें उसे, तो वहाँ पानी कितना होगा, पूरा भरने में 240 हो रहा है तो आधा भरने में कितना हो जाएगा, 240/2 यानी कि 120 लीटर, यानी कि आधा भरने में जो पानी होगा वो 120 लीटर होगा, और 120 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। अब आपको मैं इसे पूरा लिख करके भी करके दिखा दे रही हूँ, एक बार और समझ लो इसे, ये मैंने रफली किया यहाँ पे और आंसर ला दिया है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन इसका कि कैसे करेंगे इसको, आपसे कह रहा है कि टैंक में 1/3 पानी भरा है, यानी कि टैंक के 1/3 भरे होने पर पानी की मात्रा, इस तरह से ऐसे करा रही हूँ ताकि जिसे ना समझ में आए वो इसे कहीं नोट करता हुआ भी चले, ठीक है, 80 लीटर। अब आपसे ये समझ लो, चूँकि टैंक के पूरे भरे होने पर पानी की मात्रा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 240 लीटर। कैसे हो जाएगा, मैंने बता दिया अभी, 3 का मल्टीप्लाई 80 में कर देंगे,
ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है अतः टैंक के आधे भरे होने पर पानी की मात्रा कितनी होगी। तो कितना हो जाएगा, आप डिवाइड कर दो 240 को 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 120 लीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। सिंपल तरीका है, आप इसी को फॉलो करना, एग्ज़ाम में इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का लस दिया हुआ है 495 और मस दिया हुआ है 5। यदि उन संख्याओं का योग कह रहा है कि वो 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लसा 495 है, करेंगे कैसे। संख्याएं देखो, एक मस दिया हुआ है पहले 5 है। मस का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, और HCF वो नंबर होता है, ये क्या होता है, HCF दिया हुआ है ना 5 आपको, महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा वो मतलब वो नंबर होता है HCF जो कि दोनों नंबर्स में, जो कि आपके दोनों नंबर्स हैं उसमें क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। यानी कि जो भी नंबर होगा उस नंबर में 5 होना ही होना है, यानी कि दोनों नंबर में 5 है यानी कि 5 कॉमन है। तो अब सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर, ओके मैं हिंदी में करा रही हूँ, अतः हम यहाँ मान लेंगे माना संख्या, क्योंकि 5 HCF है, तो संख्या कितनी हो जाएगी 5x व 5y, ठीक है। तब 5 जो है दोनों में कॉमन है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 5x multiply by 5y, ठीक है। दोनों नंबर का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें, 495 multiply by 5, यही तो मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का लसा क्या है, 495 है। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, लसा इंटू मसा, ये होता है फॉर्मूला, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है एलसीएम और एचसीएफ का। मैं यहाँ पे लिख के भी आपको दिखा रही हूँ, इसी पे अभी हम एक क्वेश्चन भी लगाएंगे आगे। यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है, लस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मस। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लसा गुणे मसा होता है, और फिर यहाँ से हम या तो वो नंबर फाइंड कर सकते हैं, या तो लसा फाइंड कर सकते हैं, या तो मसा फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आप लोग को याद होना ही चाहिए। तो उसी फॉर्मूले पे हमने लिखा है, दो संख्याएं कौन सी हैं, 5x 5y, ये लस है और ये मस है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई मिल जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 495 multiply by 5, और ये हो गया आपका 5 × 5। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो चुका है हमारा, और 5 से हम 495 भी कट कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 9 जब 45 और 5 9 जब 45, यानी कि ये आ गया 99। यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है, 99। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि उन संख्याओं का योग 100 है। संख्या कौन कौन सी है, संख्या एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, तभी तो हमने यहाँ पे 5 अटैच किया था। तो संख्या क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, ये आपको गिवन है, ठीक है, और एक्स वाई आपको 99 पता है। जब एक्स प्लस वाई पता है और एक्स वाई पता है, तो हम एक्स माइनस वाई निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला होता है, सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉर्मूले पे आए हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स माइनस, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। सिंपली हमें यहाँ पे सब कुछ रख देना है, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई का स्क्वायर है यानी कि 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा आपका 10,000 माइनस 4, xy की वैल्यू 99 है,
यहाँ पुट कर लो या फिर डायरेक्टली लिख लो इसका आंसर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10,000 माइनस ये कितना हो गया है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा आपका 396। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9604। और 9604 जो होता है स्क्वायर होता है 98 का, यानी कि जो नंबर आपका आ चुका है वो आ गया है ऑप्शन नंबर डी में है 98। अब अगर किसी को डाउट है तो मैं ये बता दूं, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आ गया है डायरेक्टली। तो ये फॉर्मूला पहले तो आप याद कर लें, याद करना बहुत ज़रूरी है। और ये फॉर्मूला आया कैसे है वो मैं बता रही हूँ आपको, ये फॉर्मूला कैसे आया है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखो हमें ये पता है ना कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। लेकिन इसे आप एक बार देखो तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो और इन दोनों को एक्सपेंड कर दो, आपको दोनों साइड इक्वल मिल जाएगा, इसीलिए जो है इस तरह से लिखा गया है यहाँ पे। और इसका स्क्वायर हटा के इसको रूट में कर दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है, इस फॉर्मूले को याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यही बात यहाँ पे इसकी कि हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक दे दूंगी एक, जहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया है कि बड़े नंबर का हम स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा, आप जा करके पहले वो भी लेक्चर एक बार ले लेना ताकि आपको स्क्वायर रूट निकालने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया है। और ये चीज़ अगर आपको डाउट है, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं इसे करके दिखा दे रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ठीक है, यही फॉर्मूला इसका भी होता है, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ये सिर्फ मैंने समझने के लिए बताया है, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए बताया है, ऐसे आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, एग्ज़ाम में सिर्फ आपको टिक लगाना होता है। तो ये आपका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का लसा 225 है और उनका मौसा 5 है, यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लसा इंटू मौसा। उसी फॉर्मूले पे से हम करेंगे, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल लिखिए, ओके, या फिर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिखिए, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लस इंटू मस, ये होता है हमारा फॉर्मूला। पहली संख्या, एक संख्या दी है ना, तो एक संख्या कोई भी पहली या दूसरी, 25 लिख लेते हैं, और दूसरी संख्या आपकी फाइंड करनी है हमें। लसा दिया हुआ है 225 और मसा दिया हुआ है 5, तो दूसरी संख्या हमें यहाँ से फाइंड करनी है। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिवाइड बाई 25, तो ये देखो 5 5 25 हो गया, और ये 5 4 20 और 5 5 25, यानी कि जो दूसरी संख्या यहाँ से आपको मिल रही है वो मिल रही है 45। और 45 आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 कितने के बराबर है। ये क्वेश्चन भी ओरल हो सकता है। किसी संख्या का 3/4 का 2/3 किसके बराबर है, तो देख लेते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ से कर सकते हो कि देखो किसी संख्या, तो कोई संख्या ले सकते हो एक्स वाई जेड, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी, है ओरल करना है। किसी संख्या का 3/4 का 2/3, 3 को 3 से कट कर दो, 2 को 4 से कट कर दो, तो 1/2 आ जाएगा, यानी संख्या का 1/2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, यानी 8th का फर्स्ट पार्ट इसका आंसर होगा। लिख के दिखाती हूँ एक बार, ओरल करने वाले क्वेश्चंस हैं। संख्या का 3/4 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, का 2/3 किसके बराबर है। क्योंकि ये सब संख्या का के साथ लिखा हुआ है, तो संख्या का हम ऐसे ही रहने देते हैं। 3 को 3 से कट कर लेते हैं, 2 को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, संख्या का
सिर्फ 2 बचा है, वो भी कहाँ बचा है, हर में बचा है, यानी कि 1/2। ऊपर तो 1 ही बचा है ना हर जगह, संख्या का 1/2। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8 का ए। तो इस तरह से देखो कितने आसानी से क्वेश्चन को हल्का सा बस घुमा के दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है। आपसे ये कहा है कि पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें पूछा क्या है। आपसे ये कहा है कि पहली और चौथी संख्या का योग बराबर है, ये आपको बताना है और कितना है, ठीक है। तो आपको अनुपात में 4 संख्याएं दे दी हैं, उनका योग दे दिया है। तो जब 4 संख्याएं दे दी हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये संख्याएं हैं क्या। तो हम संख्याएं को मान लेते हैं, माना संख्याएं कितनी हो जाएगी, 1x, ठीक है, 2x, 3x और 4x। आपसे कहा है कि उनका योग 16 है, यानी कि इसको सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आएगा। तो ठीक है, हम ऐड भी करके देखेंगे। अब ये कितना हो गया, 4, 3, 7, 9 और ये 10, यानी कि 10x की वैल्यू आ गई है 16, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 16/10 हो गई, यानी कि हो गई 1.6। अब x की वैल्यू 1.6 आ चुकी है, आपसे पूछा क्या है। अब आपको सारी संख्याएं नहीं निकालनी, अगर पूछता कि सभी संख्याएं क्या है तो जहाँ जहाँ x है आप वहाँ वहाँ 1.6 रखते, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी और चौथी हमें सब मिल जाते। आपसे पूछा है पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है, मतलब तो किसके बराबर है ये बताना है। तो पहली संख्या आपको पता होनी चाहिए, पहली संख्या क्या है, एक्स ही है 1.6। चौथी संख्या, तो चौथी संख्या निकाल लो, चौथी संख्या कितना है, 4x, यानी कि 4 × 1.6 और ये हो गया 4×6=24 और ये 6.4। अब इनका योग पूछा है, तो पहली का संख्या का ये और चौथी संख्या का योग, पहली संख्या 1.6 है, चौथी 6.4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6×4=10 और ये 8, यानी कि 8.0, यानी कि 8 आएगा आपका योग पहली और चौथी संख्या का। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में ए 5 दिया हुआ है, बी 8, सी 10 और डी 83, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा और यहाँ पे इसका योग हो जाएगा पहली और चौथी संख्या का 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश और हर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश और हर 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, यानी कि 2:3 में है। यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका प्रारंभ जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न का अंश बताना है, यानी कि आपको न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग में जो आपका रेशियो है, ठीक है ना, जो फ्रैक्शन है उसका। करते कैसे हैं इसे, देखो एक तो होता है कि आप जो आपका अंश और हर, यानी कि जो भिन्न दिया हुआ है ना, उसको जो है आप x बाई वाई के फॉर्म में लिख लें, या एक तरीका होता है कि आप इसको जो है x x के फॉर्म में ही लिख लें और लास्ट में x को हटा देंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना प्रारंभिक भिन्न, समझ लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना नहीं रहेगा, ठीक है ना। ओके, 2:3 दिया हुआ है, तो 2x/3x एग्ज़ाम में आपको ओरल ही करना है, तो ओरल भी हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए करना क्या है। अंश में से 6 घटाया जाए, अंश क्या होता है, ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर पार्ट, और हर क्या होता है, 3x होता है। आपसे कह रहा है कि अंश में से 6 अगर घटा दें तो हमें जो मिलता है वो वैल्यू 2/3 है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंश में से अगर हम 6 माइनस कर दें और हर को ऐसे ही रहन दें तो जो वैल्यू मिलती है वो है 2/3। आपसे ये भी कहा है कि जो परिणाम आएगा वो प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न कौन सी है आपकी, 2x/3x, यानी कि इसका जो है 2/3 ये वैल्यू है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो x x हट जाएगा तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/9। कैसे, 2×2=4, 3×3=9 और x x आप यहाँ से हटा सकते हो, सिंपल है। अब आप इसे सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करेंगे हम इसे, तो देखो यहाँ पे 4/9 पहले तो आ चुका है। अब इसमें हमें करना ये होगा
कि आप जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली आप चाहो तो यहाँ से इसे कट करके छोटा कर लो। तो यहाँ पे मैं अलग से करके दिखा रही हूँ आपको, देखो 2x-6/3x और ये हुआ आपका 4/9। आप यहाँ से 3 और ये इसे कट कर दो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये हुआ 6x-18=4x। 4x इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस में, और ये इधर जाएगा तो ये 18, तो ये हो गया आपका x की वैल्यू 9। x की वैल्यू 9 आ रहा है मतलब क्या हुआ, आपसे पूछा है प्रारंभिक भिन्न का अंश कितना है, तो प्रारंभिक भिन्न का अंश 2x है और हर कितना है 3x है, और x की वैल्यू 9 है तो यहाँ से आपका अंश क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा 2x, और x की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 18, यानी कि 18 आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीन क्रमांगत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तीन क्रमांगत संख्या कह रहा है लेकिन वो भी विषम कह रहा है, ठीक है ना, विषम कह रहा है क्रमांगत में विषम, यानी कि आपको एक एक का गैप लेके चलना है। तो आप सबसे पहले ये सपोज करेंगे, माना तीन क्रमांगत संख्याएं, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना तीन क्रमांगत संख्याएं कौन कौन सी हैं, वो भी विषम कह रहा है तो ये भी मेंशन कर लो, विषम वर्ण गड़बड़ हो जाएगा, विषम संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी हैं। तो पहले हम एक मान लेते हैं एक्स, तो एक्स के बाद से एक आता है एक्स प्लस वन, उसको छोड़ेंगे, एक्स प्लस टू ले लेते हैं और एक्स प्लस फोर ले लेते हैं। आपसे कहा है उनका योग कितना है 147, तो सबको ऐड कर लेते हैं, एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 147। अब कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि विषम संख्या कह रहा है तो इन्होंने 24 में क्यों लिया है, ठीक है, एक्स से स्टार्टिंग किया है इसीलिए एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर लिया है। अगर एक्स प्लस वन से स्टार्ट करते हैं तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फाइव ले करके चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x+6 इज इक्वल टू 147, और यहाँ से हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 147-6 इज इक्वल टू 141। एक्स की वैल्यू हो गई 141/3, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 3 4 जै 12 और 3 7 जै 21, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 47। x की वैल्यू 47 आई है, आपसे पूछा है बीच वाली संख्या, यानी कि ये पहली वाली संख्या है, ये आखिरी वाली संख्या है और ये है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस टू। बीच वाली संख्या x प्लस टू है तो ये हो गया आपका 47+2 इज इक्वल टू 49। अब हमें देखना है कि हमारे ऑप्शन में 49 कोई नंबर है कि नहीं, तो 49 देखिए ऑप्शन नंबर सी है, दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रिपरेशन आपकी जो है रेलवे के एग्ज़ाम और लेखपाल के एग्जाम के लिए कराई जा रही है, तो इसमें आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। यदि 5 4 3 2 *7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वो क्या होगा। तो देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, वो जो है डिविजिबिलिटी रूल से जो है लगने वाला क्वेश्चन है। डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने अपने चैनल पे कराया हुआ है, मैं उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको ये पता लगे कि कौन सा नंबर जो है किस किस नंबर से इजीली डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। हर नंबर का डिविजिबिलिटी रूल अलग होता है, जैसे 2 का 3 का 4 का 5 का 9 का 7 का, सबका अलग होता है। तो हम उसे तुरंत कैसे पहचानेंगे, उस रूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। तो वो आप जो है सेशन जो मैंने कराया था वो आप ज़रूर से देख लेना, उसमें मैंने पूरा डीपली एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से कोई नंबर किससे डिवाइड होता है, तो आप उसे तुरंत कैसे पकड़ सकते हो कि ये नंबर 9 से डिवाइड है या नहीं है, क्योंकि ये नंबर देखो बहुत बड़ा है, आप इसे डिवाइड करोगे 1/1 तो थोड़ा टाइम भी चला जाएगा आपका। यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ कि इसे कैसे करेंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जो डिविजिबिलिटी रूल हमारा है वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। करेंगे कैसे, स्टार
यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी? अगर आपको नहीं आती है डिविजिबिलिटी रूल, तो आप क्या करोगे, 9 से क्या करोगे, इसको डिवाइड करने लग जाओगे। डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखोगे कि कौन सा नंबर यहाँ रखें कि ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई नंबर 9 से विभाज्य होती है, यानी कोई नंबर 9 से अगर कट रही होती है, तो उसके उस नंबर के अंदर आने वाले सभी नंबर्स का जो योग होगा ना, जो सम होगा, वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा इतना समझो। तो पहले हम क्या करते हैं ना, इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, 5 + 4 + 3 + 2, स्टार की जगह पे हम स्टार रख लेते हैं, और +7 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। ऐड करके देख लेते हैं, 5, 4, 9, 9, ये आपका 12, 12 2 14, और 14 और 7 होता है 21 प्लस स्टार, ठीक है। यानी कि 21 इस पूरे का सम आ रहा है और प्लस स्टार आ रहा है। अब देखो 21 9 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। 9 से डिविजिबल, अब जो भी नंबर होगा वो 21 से बड़ा होगा, वही 9 से डिविजिबल होगा, है ना। तो 21 के बाद से ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल होता है? तो वो होता है 27। यानी कि 9 3 27 होता है, तो अगर यहाँ पे 27 हो जाए तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 टाइम्स में हो जाएगा। यानी कि हम इसमें कितना नंबर ऐड करें कि ये 27 हो जाए, तो हमें यहाँ ऐड करना पड़ेगा 6। अगर हम यहाँ पे 6 रख दें तो ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो स्टार होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 6, और तब जाके ये नंबर पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपका जो वैल्यू है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये होता है डिविजिबिलिटी रूल। अगर 9 से डिवाइड करना है तो वो नंबर जो का उस नंबर का पूरा सम जो है 9 से अगर डिवाइड हो गया, तो वो आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ऐसे ही हर नंबर का रूल होता है। आप इसे ज़रूर से चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पर जा करके, मैं उसका लिंक भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूँगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचते हैं। तो आसान है ये भी। कैसे आसान है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो पहले जो नंबर्स दिए होते हैं ना, उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। सिंपल है, तो एलसीएम लेते हैं पहले। ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है, 0, 1, 6 एंड 9। तो लेते हैं इसका एलसीएम, 12, 15, 20 एंड 54, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो किससे जाएगा, पहले 2 से ही कट करते हैं, तो 2 6 12 15, ये 10 27, अभी भी ये 2 से निकल रहा है, तो 2 3 6 15 5 27, अभी देखो 3 से निकलेगा ये 5 5 9, अब देखो ये 3 से निकलता चला जाएगा, उसके बाद से लास्ट वन जो आपका जाएगा वो निकल जाएगा 5 से, ठीक है। सभी वन हो गया। एलसीएम यहाँ से कितना मिला हमें, ये मिला 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, कितना हो गया, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो ये आएगा आपका, ये देखो 4 हो गया और ये हो गया आपका 9। तो 9 4 36 हुआ, × 15। तो 36 × जब 15 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 0 बन रहा है लास्ट में, और ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ से बनेगा आपका 5। तो ये हो गया 540। यानी कि जो इसका एलसीएम बन रहा है वो बन रहा है 540। अब आपसे ये कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिससे हम इसमें भाग दें, प्रत्येक दिशा में 4 बचे। तो 4 आपको रिमाइंडर हर हालत में चाहिए, इसका मतलब क्या करना होगा, हमें इसमें 4 ऐड करना होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि वो अभी संख्या क्या हो जाएगी, हर हालत में 4 बचाना है, तो 540 + 4 कितना हो गया, तो ये हुआ आपका 544। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया है 544। आपसे पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, अब इसका ऑप्शन देखो आप, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिया है 0, 1, 6, 9, ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 का ही ऑप्शन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन होगा, मैं आपको फिर से बता रही हूँ,
इसका एक ऑप्शन तो आपका 544 होगा ही होगा, बिकॉज 544 ही इसका आंसर आ भी रहा है। तो इसका जो आप ऑप्शन है वो दोबारा नोट कर लेना, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 450, 540, 454, और ये हो जाएगा आपका 544। तो अभी देखो 544 आपका आंसर आ रहा है और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आप सही कर लेना अपने ऑप्शंस को, और किस तरह से क्वेश्चन करेंगे ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कैसे होगा। 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर जगह पूछा भी जाता रहा है इस तरह का क्वेश्चन। करेंगे कैसे, बहुत सिंपल सी बात है, जब भी आपका बट्टा वाला क्वेश्चन आता है इस तरह का कि अगर दो आपको दिए हुए हैं वैल्यूज़ और उससे पूछ रहा है कि उसके समतुल्य आपको एक अकेला बट्टा निकालना होता है, तो हम कैसे निकालते हैं। देखो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। 100 में से आपको दोनों बट्टों को माइनस करना होता है, दैट मीन्स जो फॉर्मूला होता है ना इसका वो कुछ इस तरह से होता है, 100 माइनस जो पहला वाला बट्टा होता है आपका एक्स, 100 माइनस y अपॉन 100। बस इतना ही आपको याद करना है, जब भी समतुल्य बट्टे की बात करें आपसे, जब भी दो बट्टे आपको दिए हुए हैं क्रमिक वो भी, और पूछे कि दोनों को मिलाकर एक अकेला बट्टा क्या होगा, तो यहाँ से आप निकालोगे 100 माइनस x आपका 10 है, 100 माइनस y आपका 30 है, और फिर आपका आता है वापस से 100। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली निकलेगा। देखो 100 हो गया यहाँ पे, माइनस ये आपका 90 बना, ये आपका 70 बना, और ये आपका 100 बना। देखो 0 0 कट गया यहाँ से, तो ये आ गया 100 माइनस 7 9 या 63, और ये क्या हो गया आपका 7 आया और 9 में 6 गया 3 आया, यानी कि 37% जो है इसका एक अकेला समतुल्य बट्टा होगा। तो इसका आंसर आपको 37% मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको अगर आपको पता होगा तो फिर आप ये वैल्यू पुट करके बहुत ही आसानी से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ऑप्शन देखो दे रखा है 1258 पहला, दूसरा है 1458, तीसरा है 1324, और डी वाला ऑप्शन है 1624। आपको बताना है कि उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो पहले तो देखो फर्स्ट लाइन से आपको दिख रहा है कि कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यानी कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कुल विद्यार्थी कितने हैं विद्यालय में। तो हम सबसे पहले यही सपोज करेंगे कि माना कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 60% बॉयज़ हैं वहाँ पे, ठीक है, और जो लड़कियों की संख्या है वो 972 है। तो हम ये निकालेंगे कि लड़के कितने हैं वहाँ पे, लड़के हैं 60%, यानी कि एक्स का 60% कितना हो गया, ये हो गया है आपका, यहाँ से आप इसे कर लो तो ये देखो 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि 3x/5 यहाँ पे लड़के हैं, और लड़कियाँ तो आपको पता ही हैं 972 हैं, ठीक है, यहाँ से क्लियर है। लेकिन अब देखो लड़कियाँ पता है 972 हैं आपको, तो अगर हमें लड़कियों का संख्या या फिर x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे उसमें, x की वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर हम कुल विद्यार्थियों की संख्या में से अगर हम लड़कों की संख्या माइनस कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये समझो कि अगर टोटल बच्चे सिर्फ विद्यालय में लड़के और लड़कियां ही हैं, यानी कि टोटल बॉयज़ प्लस गर्ल्स, अगर किसी विद्यालय के हमको बच्चों की संख्या निकालनी है तो क्या करना होगा, लड़के और लड़कियों की संख्या को ऐड करना होगा तभी टोटल मिलेगा हमें। अगर टोटल में से हम गर्ल्स या फिर टोटल में से अगर हम बॉयज़ को माइनस करें तो हमें गर्ल्स मिल जाएंगी, ठीक वही हम यहाँ कर रहे हैं। टोटल में से अगर हम बॉयज़ को माइनस करें तो हमें क्या मिलेंगी, गर्ल्स मिलेंगी, जो पता है हमें कितनी है 972 है। सॉल्व करेंगे तो 5x-3x/3x हुआ और ये हुआ 972, और यहाँ से हो गया 2x, और ये देखो यहाँ पे मैंने 3x लिखा है, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 2x/5 = 972। सॉल्व कर लेते हैं, 2 से देखो ये कट जाएगा, कितना होगा 2 4 8 2 8 16, 2 6 12, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 486 × 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 5x-3x / 5 = 972।
अब सॉल्व कर लेते हैं तो ये होगा 2x/5 इज इक्वल टू 972। 2 से हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 86, और ये हो गई यहाँ से आपकी 2430। यानी कि विद्यालय में, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। मैंने ये फिर से कर दिया है बिकॉज मुझे लगा यहाँ पे ये गलती हो गई, तो शायद आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 2430 निकल के आ गई है। सेम यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे लाई थी, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई है, ठीक है। मैंने इसी चीज़ को यहाँ दोबारा कर दिया है, तो आप लोग जो है डाउट नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे मैंने पहले गलती किया था तो मैंने इसे कट कर दिया है। ओके, आपसे पूछा है कि कुल कितने लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या आपको पता है ना, 3x/5, तो बॉयज़ निकाल लो। लड़के कितने हो जाएंगे यहाँ से, ये हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई x, कितना है 2430 बाई, ओके कट करते हैं, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, यानी कि हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 8 6, कितना हो गया देखो, 3 6 जा 18, ये 5, और 3 4 जा 12 1 13, यानी कि 1 और आ गया, तो ये कितना हो गया, 14 हो गया। तो यानी कि जो विद्यालय में लड़के हैं वो कितने हैं, 1 4 5 8 हैं। आप इसे मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक है। 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, यानी 1 5, और 3 4 जा 12, 1 13, और 1 14, यानी कि 1 4 5 8 इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से देखो मैंने 15 क्वेश्चन का सेट आपको कराया है, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का ये सेशन पसंद आ गया होगा, ठीक है ना। मैंने ये वाली लाइन, ये वाली चीज़ जो है यहाँ दोबारा कर दी है इतनी दूर में। अगर आपको यहाँ से कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसको यहाँ समझ सकते हो वापस से, ठीक है ना। वरना ये चीज़ जो है मैं स्टार लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ सेम वही चीज़ है जो मैंने यहाँ कराई है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी इसकी नेक्स्ट क्लास जो है, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2, मैं कल करवाऊँगी वापस से। तो आप खुद भी करके देखना कि आपको कितनी प्रिपरेशन अभी तक आपने कर चुकी है और कितनी अभी आपको और करनी बाकी है। बाकी तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराते जाऊँगी ही। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं मुझे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।